देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार बीएमसी के किसी आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल अपनी कुर्सी पर कायम है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में सबसे नया आरोप 20,000 करोड़ की पीएपी घोटाला प्रकल्प का है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरट सोमया ने बीएमसी के विभिन्न पुनर्वसन प्रकल्पों में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। आरोप है कि ये घोटाला उस वक्त का है जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। इस याचिका में दावा किया गया है कि तत्कालीन शिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार और बीएमसी ने प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन पीएपी प्रकल्प के तहत प्रभावित हुए लोगों को घर बनाकर देने के लिए बिल्डर शाहिद बलवा की डीबीएस रियल्टी और पुणे की चौरडिया ग्रुप ऑफ कंपनी को 4 ठेके दिए हैं और बीएमसी ने 5.4 एफएसआई को मंजूरी देकर बिल्डिंग को 25,000 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया। इसके अलावा बीएमसी ने उन्हें 11 प्रकार के टैक्स के भुगतान से छूट देकर फायदा पहुंचाया है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल पर एक आरोप यह है कि उनकी निगाहबानी में पैसे लेकर अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग दी जा रही है। दरअसल मुंबई के कई पार्षद यानी नगर सेवकों का आरोप है कि मौजूदा समय में जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं उनमें नियमों की अनदेखी की गई है। ये पूरा मामला तब रोशनी में आया जब साल 2022 में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी और मनसे के 94 पूर्व नगर सेवकों ने अपने हस्ताक्षर के साथ बीएमसी आयुक्त की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर मामले से अवगत करवाया है। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4,000 करोड़ का कोविड घोटाला हुआ, खिचड़ी घोटाला, कोविड सेंटर घोटाला, ऑक्सीजन प्लांट घोटाला, डेड बॉडी बैग घोटाला, रेमडेसिविर घोटाला, कोविड सेंटर कंस्ट्रक्शन का घोटाला और इस सब को इकबाल चहल म्युनिसिपल कमिश्नर ने ऑथेंटिसिटी दी थी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का बहाना करके। चहल साहब छूट नहीं सकते, हिसाब तो देना पड़ेगा।